आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हम लोग को GMDSS का पेमेंट करना होता है 500 रुपी का, वो भारत कोष के थ्रू, तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि भारत कोष का वेबसाइट पे चले जाते हैं। भारत कोष जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा, भारत कोष का वेबसाइट, उसमें सबसे पहले ये लॉगिन और रजिस्टर है उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। उसमें कुछ नहीं, नाम और ईमेल आईडी ओटीपी आता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये जैसे मेरा अकाउंट बना पड़ा है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। और पहले तो लॉगिन कर लो, G9PVYK। इसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो ये जो मेन्यू का बटन होता है, ये मेन्यू के बटन पर क्लिक करो। वहाँ पे मेक योर पेमेंट करके है, उस पर क्लिक करना है हमें। और उसमें जो सेकंड ऑप्शन है रिसिप्ट फॉर DOT, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये क्लिक हो गया, यहाँ पे पर्पस में हमें क्लिक करना है। पर्पस वाले बटन पे जैसे ही सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप करना है GMDSS। खुल जा तो यहाँ पे पर्पस पे पहले GMDSS जैसे ही ऑप्शन करेंगे, उसमें पहला जो ऑप्शन आता है GMDSS एग्जाम कंसर्न, उस पर क्लिक कर देना है। उसको सर्च पे क्लिक कर दो। ये 500 रुपये का जो पेमेंट करना होता है भारत कोष के थ्रू, ये उसी का है। सो इसमें देखना ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख दिया एग्ज़ाम फी GMDSS एग्ज़ाम, उस पर क्लिक कर लो। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे पेमेंट का टाइप पे, वो एग्ज़ाम फी है तो ऑटोमेटिक 500 रुपी का आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो अमाउंट 500 आ गया। अब यहाँ पे एंड अकाउंट PAO सेलेक्ट कर देना है कि हमें कहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा कहाँ है, कोलकाता से दे रहा हूँ। जो मुंबई से दे रहा है वो मुंबई महाराष्ट्र का सिलेक्ट करेगा। जो भी वेस्ट बंगाल से है वो वेस्ट बंगाल का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने ये कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट वेस्ट बंगाल, इस पर क्लिक कर देना है। ये है जो भी है। उसके बाद ये मंथ यहाँ पे आता है, जैसे अभी मेरे को मई का मंथ में एग्ज़ाम देना है तो मई का मंथ सेलेक्ट कर लूँगा। और ये रिमार्क्स में यहाँ पे डाल दो GMDSS एग्ज़ाम और फिर अपना नाम डाल दो, ठीक है। ये इसको ऐड पे क्लिक कर लो। यहाँ पे देखो नीचे में टेलीकम्युनिकेशन GMDSS एग्ज़ाम कंसर्न वेस्ट बंगाल, मंथली अप्रैल क्यों आ जा रहा है यार, इस पर तो हम लोग मई क्लिक किए थे। इस पर फिर नेक्स्ट क्लिक करो, यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा हम लोगों का। वो सारा डिटेल्स आएगा, ऑनलाइन पेमेंट है, उस पर फिर ऑनलाइन पेमेंट पे करके नेक्स्ट चले जाओ। यहाँ पे अप्रैल पेमेंट पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे करके यहाँ पे बस कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा और हमें फिर पेमेंट कर देना है।